जिले में फिर बढ़ा कोरोना ग्राफ, 12 पॉजिटिव मिलने के बाद हुई 265 संख्या। गोटमार मेले पर लगा विराम, पांडुर्ना में बैठक में कलेक्टर एसपी ने किया स्पष्ट। फिल्म एक्टर सोनू सूद की मदद से केरल से छिंदवाड़ा पहुंचा युवक, ट्विटर में की थी मदद की गुहार। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगी सहायता, जिला पंचायत में हुई समस्याओं पर चर्चा। और युवक ने बनाई बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल, 3 घंटे चार्ज पर चलती है 35 किलोमीटर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बुधवार की देर शाम बाद आए 9 कोरोना पॉजिटिव और गुरुवार की 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 12 कोरोना पॉजिटिव फिर बढ़ गए हैं। 12 अगस्त को जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार जो संख्या 253 थी वह बढ़कर 265 हो चुकी है, जिसके कारण अब आइसोलेशन में भर्ती संक्रमित मरीजों की संख्या 71 हो चुकी है। ठीक हुए कोरोना पॉजिटिव की संख्या 192 है, जबकि 502 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। पांडुर्ना में पोले के दूसरे दिन विश्व विख्यात गोटमार का आयोजन होता है, जिसे लेकर क्षेत्र की जनता के बीच उहापोह की स्थिति बनी रही, जिस पर विराम इस बैठक में जिला मुखिया और पुलिस अधीक्षक ने पूर्ण रूप से लगा दिया। दोनों अधिकारियों ने सीधे बैठक में आए पांडुर्ना के निवासियों से बात की, जिनमें कुछ लोग गोटमार को क्षेत्र की आन बान और शान से जुड़कर देख रहे थे। वहीं कुछ लोग कोविड-19 वायरस के कारण इस महामारी के प्रकोप से क्षेत्र को बचाने की बात कर रहे थे। वहीं कुछ लोग अंधश्रद्धा के ताने बुनते हुए कई प्रकार के तर्क वितर्क दे रहे थे, जिनसे सबसे दोनों अधिकारियों ने सीधे चर्चा की और क्षेत्र की भलाई को देखते हुए पूजा और गोटमार मनाने संबंधी स्पष्ट रूपरेखा खींची। मुसीबत में फंसे कई लोगों को फिल्म स्टार सोनू सूद ने उनके अपने परिवार और घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। उनमें से एक सौंसर विधानसभा के ग्राम पंचायत पीपला कन्हान के युवक राहुल तुलाराम सोमकुवर केरल के कोच्चि शहर में लॉकडाउन के दौरान फंसा था। सोनू सूद के द्वारा युवक के द्वारा मात्र एक बार ट्विटर पर बातचीत के बाद अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। मुझे सबसे पहले सोनू सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर परेशानी, मतलब जैसे मैं गंभीर परेशानी में फंसा हुआ था, तो वैसे सोनू सर को जैसे ट्वीट किया मैंने, उन्होंने मुझे ट्वीट किया कि आप कोई परेशानी नहीं होंगी, आपको आपके घर तक सही सलामत पहुँचाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी हर चीज़ की सहायता कर दी सोनू सर ने, जो ताकि मुंबई बुलाया। मुंबई आने के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया ताकि आप खाना खा सको और अपने घर तक मतलब सुरक्षित जा सको। उसके बाद फिर नागपुर के लिए मैं निकला, वहाँ से उन्होंने टिकट भिजवाई, फिर नागपुर के लिए निकला। नागपुर आने के बाद फिर पैसा ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने पूछा मुझे पैसे वैसे कोई प्रॉब्लम क्या गया, मतलब हाँ सर यहाँ से जाने के लिए मुझे कुछ पैसे नहीं है और साधन भी नहीं है, आवाज़ आया कुछ है नहीं बोला, तो ठीक है बोले आप जैसी व्यवस्था होती है आपके घर तक जाने की, आप टैक्सी लो चाहे ऑटो लो, उस स्थिति में आप घर निकलिए, हम पैसा डाल रहे हैं आपके अकाउंट में। फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया और उस स्थिति में अपने घर तक अपने यहाँ सुरक्षित पहुँच पाए। जिला पंचायत सभागार में रोजगार मूलक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार से जोड़ने के लिए अधिकारियों को प्रक्रियाएं आसान करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने बताया कि स्वरोजगार के लिए आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई, उन्हें दूर करने के प्रयास के लिए बैंकरों से भी बातचीत हुई है। आज की बैठक का जो आयोजन किया गया था, इसमें बेसिकली बैंकर्स हैं और हमारे वो विभाग हैं जो हितग्राही मूलक योजनाओं का निष्पादन करते हैं, जिसमें स्वरोजगार से जुड़ी हुई स्कीमें होती हैं, वो चाहे पीएमजीपी हों, युवा उद्यमी हों, रोजगार सृजन की गतिविधियाँ हों, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएँ हों, तो इन सारे लोगों के लिए एक तो था कि विभागों की क्या समस्याएँ रहती हैं और उन्होंने किस तरीके से प्रकरणों को बनाया है और बैंकर्स के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम है क्या, बैंकर्स को सेंक्शन करने में उनको कोई वार्षिक समस्या है, तो उसके अध्ययन के लिए और उसके निदान के लिए आज की बैठक का आयोजन था। सौंसर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कन्हान पीपल के खेतों में काम करने वाले युवक रोशन बागड़े ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई है। रोहन बागड़े ने बताया कि मोबाइल पर यूट्यूब में बैटरी से चलने वाली कई मोटरसाइकिल के वीडियो को देखा और मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू किया। कबाड़ी की दुकान से एक पुराने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल की खरीदी की और उस गाड़ी में वायरिंग के साथ मोटर और बैटरी लगाई, 48 वाट की मोटर और बैटरी लगाई। 2-3 बार असफल होने के बाद योजना सफल हो गई। लगी हुई बैटरी को एक बार में 3 घंटे चार्ज करने के बाद में मोटरसाइकिल 30 से 35 किलोमीटर चलती है। इसमें कुल 18,000 की लागत आई है।
पलटो। बैटरी और मोटर से बनाई। बैटरी और मोटर से। ये गाड़ी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यूट्यूब से। कितने एक बार चार्ज करने में कितनी किलोमीटर चलती है? 30 किलोमीटर। कैसे बनाया इसको? बैटरी और मोटर। बैटरी और मोटर से बना। हाँ। कितना समय लगा इसको बनाने में? 6 महीने। जुन्नारदेव नगर पालिका प्रशासन द्वारा बाजार क्षेत्र में कई स्थानों पर पेवर ब्लॉक नहीं लगाया, जिससे सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है, जिसमें सब्जी मार्केट, तंबाकू मार्केट, होटल की गलियां शामिल हैं। अत्याधुनिक कीचड़ होने से ग्राहकों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। स्थानीय दुकानदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू से गुहार लगाई है कि बाजार क्षेत्र की सभी दुकानों के सामने की सड़कों पर टाइल्स समान रूप से लगाई जाए, ताकि बरसात के दिनों में कीचड़ से लोगों को निजात मिल सके। जिला फुटबॉल संघ के आज परासिया रोड स्थित कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी समय में फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर मध्य प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार गाइडलाइन निर्धारित किए गए, इसी अनुसार पर सभी जिलों के पदाधिकारियों द्वारा उनका निर्वहन करते हुए टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। वो और लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त न करना महापाप। जनपद पंचायत जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत बदनूर, जहां 100 मीटर सीसी रोड का निर्माण वार्ड क्रमांक 7 में ग्राम पंचायत द्वारा हो रहा है, जिसकी मोटाई 8 इंच होनी चाहिए, 4 इंच नीचे बेस, उसके ऊपर 4 इंच की सीसी, 8 इंच मोटी रोड बनानी चाहिए, लेकिन सरपंच, सचिव, इंजीनियर की मिलीभगत से मात्र 4 से 5 इंच मोटाई की रोड निर्माण हो रही है। ग्रामीणों द्वारा गलत निर्माण पर आपत्ति ली गई तो सचिव ने बताया कि इंजीनियर की अनुमति से काम चल रहा है। बहरहाल गुणवत्ताविहीन सड़क बनने के कारण ग्रामीणों में आक्रोश है। जी वो जो अपने यहाँ के वेट साहब है, हाँ, पंचायत के, वो बोलते हैं कि इंजीनियर पास नहीं होने के अगर ऐसी रोड नहीं बनाएंगे। हमको तो बोलने नहीं देता ना, वो तो बोलता कि इंजीनियर बता गए सब काम, हमको इंजीनियर पास नहीं होने देगा। तो वहाँ देखो कैसा रोड था, ये बनना चाहिए कैसे बनाना चाहिए। और इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपने को दीजिए नई उड़ान निदेशी एकेडमी के साथ। अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदेशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। एडमिशंस ओपन फॉर UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदेशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671131। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेनियलसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक मराठे, जिला संगठन डॉक्टर YK शर्मा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाबिल के निर्देशन और कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के मार्गदर्शन में 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ग्रामीण अंचल में स्वयंसेवकों द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए इसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, गाजर घास उन्मूलन, पेयजल के स्रोत जैसे हैंडपंप के आसपास की सफाई, स्वच्छता से संबंधित संदेशों को दीवार पर लेखन कर प्रतिदिन अलग अलग गाँव में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जा रही है। संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशन पर देश में बढ़ते नारकोटिक्स अपराधों में अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त अभियोजन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण वेबिनार के माध्यम से राज्य समन्वयक अकरम शेख और प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी
मौसमी के द्वारा आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में उद्बोधन संचालक शर्मा के द्वारा किया गया और उनके द्वारा ऐसे अपराधों में विचारण के लिए टास्क फोर्स का गठन करने और ऐसे अपराधों को चिन्हित अपराधों में शामिल करने का आश्वासन दिया गया है। श्री राम नाम सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम रख दिया गया है। समिति के राज साहू ने बताया कि एक अलग दुनिया है जिसका किसी प्रकार से कोई सहारा नहीं, जो 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं, अथवा शारीरिक रूप से अपाहिज दीनहीन बुजुर्ग बेसहारा लोगों को समिति द्वारा रोजाना भोजन प्रदान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। रामाकोना में सड़क पर मिली मानसिक रोगी बुजुर्ग महिला को सामाजिक कार्यकर्ता गगन गोयल प्रशांत महाले ने डायल 100 से जाम सावली हनुमान मंदिर भेजा था। क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य का कार्यरत ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान ने महिला के भोजन और रहने की व्यवस्था की। संस्था के विजय धवले ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके द्वारा केवल सावनेर में रहने की जानकारी दी गई थी, जिसके आधार पर सावनेर के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से महिला के परिवार की खोजबीन कर खुरज गांव में रहने वाले महिला के भांजे से संपर्क कर जानकारी दी गई। गुरुवार सुबह महिला के परिवार ने जाम सावली पहुंचकर उसे घर लेकर गए। 15 अगस्त के अवसर पर कई कंपनियों ने तिरंगे वाले मास्क बनाए हैं। मुनाफा कमाने की होड़ में कहीं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो, इसके लिए अब लोगों के द्वारा अपील की जा रही है कि ऐसे मास्क लोग ना खरीदें, क्योंकि मास्क को लास्ट में डस्टबिन में फेंका जाता है। EMS TV भी अपील करता है कि तिरंगे वाले मास्क का इस्तेमाल ना करें और यदि खरीद लिए हों तो उसे घर पर ही रखें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्री CO की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। जबलपुर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हर्रे विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीयूष शर्मा ने सभी आम नागरिकों से और अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि जो भी CO के संपर्क में विगत 4-5 दिनों से आए हों, वे अपने अपने घरों में क्वारंटीन हो जाएं। डॉक्टर पीयूष शर्मा भी अपने घर में क्वारंटीन हो रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने CO से इलाज किया था। यूं तो इस साल जन्माष्टमी की धूम कोरोना संकट के कारण फीकी रही, लेकिन जन्माष्टमी में कान्हा जी की जमकर धूम रही। इस साल भले ही कोरोना के बचने के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर पूजा की, उपवास रखे, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखते हुए उनके मनोबल को कमजोर नहीं होने दिया। किसी ने 11 तो किसी ने 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई और अपने छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया, राधा और यशोदा के वेश में सजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।